हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टी। ये सिंगापुर की स्पेशल डिश है, इसे हम यहाँ बैठे बनाएंगे और इसका मज़ा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स है पोटैटो 1, मशरूम 8 to 10 पीस, जुकीनी हाफ येलो, कैप्सिकम ग्रीन, जुकीनी ग्रीन हाफ, ब्रोकली 8 to 10 फ्लोरेट्स, शिमला मिर्च रेड, मेयोनीज वाइट, मेयोनीज रेड। इसमें स्पाइसेस डालेगा चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, काली मिर्च, पार्सले, ओरिगैनो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जुकीनी ले लिया है, उसे आप देख सकते हैं कि मैं किस अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। हमें इसके लंबे लंबे स्लाइस कर लेने हैं, पतले पतले। इसको आप काट लीजिए और इसको फिर हम साइड रख लेंगे। हमारी जुकीनी कट चुकी है, अब हम शिमला मिर्च लेंगे, इसके भी हम लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह मैं काट रही हूँ। इसी तरह हम रेड शिमला मिर्च भी काटेंगे और साइड रख लेंगे। मशरूम लेंगे, उसके भी हम लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे और साइड रख लेंगे। ब्रोकली के हम फ्लावरेट्स निकाल लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। हमने पोटैटो ले लिया है, एक हमने कद्दूकस ले लिया है। इसमें ध्यान रखें कि हमें आलू बहुत बड़ा साइज़ का लेना है और इस तरीके से इसे लंबा लंबा हमें लच्छे की तरह निकाल लेना है। बिल्कुल बारीक पतला पतला आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके लच्छे निकल रहे हैं। इस तरह हम लच्छे निकाल कर साइड रख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे एक पैन में, और जो हमने अपने आलू क्रश किए थे उसे हम इस तरीके से राउंड शेप में हैंड से एकदम राउंड बना लेंगे और थोड़ा हम थिक रखेंगे आलू के लच्छे को। हमने इस तरीके से इसे हैंड से दबा लेना है और इसे राउंड शेप में बनाकर इसको 2 मिनट के लिए लिड लगाकर सिकने के लिए छोड़ देना है। नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें अब हम अपने मशरूम डालेंगे, इसमें हम ग्रीन जुकीनी ऐड कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा हल्का सा हिला लेंगे। इसमें अब हम येलो जुकीनी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ग्रीन, रेड, इसमें अब हम अपने ब्रोकलीज डाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 मिनट के लिए हम ब्रोकली बॉईल कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर लिड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे साइड रख देंगे। हमने एक बार फिर से इसको हिला लेना है और इसको फिर से हम साइड रख देंगे। लेड हटाकर हम देखेंगे कि इसमें पानी आ गया है। इसमें हम पार्सले डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे,
और पानी सूखने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा रोस्टी एक साइड से डार्क ब्राउन हो चुका है। उसे हम पलटकर अब दूसरी तरफ से पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एक तरफ हम अपना वेजिटेबल बना रहे हैं, एक तरफ हम अपना रोस्टी बना रहे हैं। ये डिश बनाना कितना ही इजी है। आप 15 मिनट में इसे आराम से पूरी तैयारी के साथ बना सकते हैं। देखिए हमारा वेजिटेबल एकदम रेडी है सर्व करने के लिए रोस्टी के साथ। अब इसे हम साइड रख लेंगे और रोस्टी भी हमारा दूसरी तरफ से रोस्ट हो चुका है। रोस्टी भी रेडी हो गया है। हम इसे एक बार फिर से दूसरी तरफ से सेक लेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे रोस्टी विथ सॉटे वेजिटेबल विथ मेयोनीज। गर्मा गर्म डिश हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। इसका मज़ा लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डिश ऑफ द डे को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना।